देश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। अब 14 जनवरी तक खरमास का समय रहेगा, लेकिन मंत्री बनने की राह देख रहे सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को यकीन है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अनुप त्रिपाठी ने सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। लखनऊ में सुभाषपा की बैठक चल रही है और ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं वो बैठक ले रहे हैं और खास तौर पर अभियान चल रहा है अल्पसंख्यकों को जागरूक करने का। सर, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक को गुलाम कांग्रेस ने बनाया, बसपा ने बनाया, सपा ने बनाया। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% थे। इतना विकास किया कांग्रेस बसपा सपा ने कि आज 1% भी नहीं रह गए। आज इनके बेहतर शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, देश में अमन चैन भाईचारा कैसे रहे, इस पे किसी को चिंता नहीं। सिर्फ चिंता एक है कि इनको भय दिखा करके, बीजेपी का भय दिखा करके कांग्रेस भी वोट लेती है, सपा भी वोट लेती है, बसपा भी वोट लेती है। देती क्या है? नफरत के अलावा कुछ देते हो? आज उठा के 1531 थाने हैं। अगर समाजवादी पार्टी के 4 बार के शासन में हम देखें तो 1531 थाने में कितना मुसलमानों को सिपाही दरोगा बनाया। तो हम इनको यही समझा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। सपा की गवर्नमेंट होती थी तो दंगे होते थे। दंगे में सबसे ज़्यादा चपेट में कौन आता था? यही मुसलमान। कांग्रेस की सरकार में दंगे होते तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार मुसलमान। बसपा के दंगे कौन होता था? जब जितने भी दंगे होते थे उसके शिकार तो यही होते थे। आज बीजेपी की सरकार है, दंगे तो नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू तो नहीं लग रहे हैं। अब इसी नाते विपक्ष के लोग परेशान हैं कि कर्फ्यू दंगा अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा वोट कहां से आएगा। अच्छा सर, एक सवाल बनता है, समाजवादी पार्टी MY की बात करती है, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है, 2024 में समाजवादी पार्टी का ये MY समीकरण का क्या होने वाला है? देखिए, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून मुसलमानों का। 4 बार सरकार बनी, 1531 थाने में एक थाने पर चिन्हित कर लीजिए, वोट तो लिया मुसलमानों का, नाम तो लिया यम का, अधिकार किसको दिया अखिलेश ने? Y को। हर थाने पर अगर 25 का स्टाफ है तो 8 से 10 सिपाही दरोगा यादव, मुसलमान को छोड़ दिया। नाई गुणपाल प्रजापति पिंद केवट मल्ला आरा करगवंशी बंजारा बहलिया कंगार जोल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर तो छोड़ दिया। तो किस बूते वोट मांग रहे हैं? अब ये बात की जानकारी हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से दे रहे हैं कि आप अपने लिए लड़ो। आपका अगर कोई प्रतिनिधित्व सपा में है तो जब वहाँ माल बटे, चाहे नौकरी का माल बटे, चाहे कोई भी विकास की बात हो, तो उसमें आपको हिस्सेदारी मिले, इसके लिए आप लड़ो। MP में BJP ने मोहन यादव को CM बना दिया तो अखिलेश यादव कुछ ज्यादा परेशान है? अब वो ऐसा ही परेशान रहेंगे। वो सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई बनने न पावे, हमारे परिवार के अलावा कोई बनने न पावे। आजमगढ़ में यादव तो है नहीं, धर्मेंद्र यादव जाएंगे सैफई से हुआ लड़ने, अखिलेश यादव जी जाएंगे हुआ लड़ने, उधर तो कोई मऊ बलिया आजमगढ़ बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थनगर तो कोई यादव है नहीं कि जो वहाँ लड़ सके। तो ये इस बात को यादव भी समझ गया है कि वहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। तब वो अपना विभिन्न पार्टियों में अपना दाव लगा रहा है राजनीति करने के लिए। इससे अखिलेश जी परेशान है। आखिरी सवाल सर, आप कब मंत्री बनने जा रहे हैं? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। बहुत समय हो गया। होने दीजिए समय, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल है। शुक्रिया सर। आप थे ओम प्रकाश राजभर। उनका कहना है कि हम मुसलमानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, पिछली चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी सरकार रही हो, उन्होंने ठगने का काम किया है और अब हम मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें एकजुट कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनुप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।